हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक 9 वाट एलईडी बल्ब से कैसे झालर बनाएंगे। इसमें मैं एक पुराने एलईडी बल्ब को लिया हूं जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। इसका एमसीपीसी ख़राब है बट इसका ड्राइवर जो है वो बिल्कुल ही सही है, तो मैं ड्राइवर का यूज करने वाला हूं। और ये जो आप देख रहे हैं कनेक्शन मैं किया हूँ, ये सभी एलईडी को मैं एक एक को सीरीज में कर लिया हूँ। यहाँ ये जो एलईडी है ये ब्लू कलर में एलईडी है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो 3 कलर के एलईडी का भी यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको 3 कलर भी मिल जाएगा। इस तरह से ये जो एलईडी है सिंगल कलर में है, तो इसका मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। और अब देखें कि ये जो वायर है ये मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्लैक वायर जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव के लिए है, ब्लू वायर नेगेटिव के लिए है, तो इस तरह से ये कनेक्शन में बना रखा हूँ। और यहाँ एलईडी को आप देख सकते हैं कि इस साइड में यहाँ कटिंग रहेगा, और वो जो कटिंग है वही कटिंग इसका नेगेटिव का रहता है और इस साइड में पॉजिटिव का। तो जहाँ पर नेगेटिव का है वहाँ से नेगेटिव को मैं किया हूँ, और इसके पॉजिटिव के कनेक्शन में फिर से मैं इसी तरह से सीरीज करते गया हूँ। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा कि किस तरह से मैं इसका सीरीज में कनेक्शन कर लिया हूँ। इसी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम कम से कम आप इसमें 27 पीस एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा भी एलईडी का यूज कर सकते हैं। ज़्यादा एलईडी यूज करेंगे तो लाइट थोड़ा सा है वो कम ग्लो करेगा, और कम एलईडी यूज करने के बाद लाइट जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आप चाहें तो कम से कम 27 पीस का यूज करें या फिर 40 पीस का यूज करें। मैं यहां पर 34 पीस एलईडी का यूज करने वाला हूं। और ये जो एसएमडी देख रहे हैं ये एक ब्रेक हो चुका था, बट अब फिर भी ये ब्रेक हो चुका है तो इसका यूज नहीं होगा। यहां मैं कनेक्शन कर लेता हूं, और अब देखें ये एलईडी बिल्कुल ही ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से ये एलईडी में ही मैं कनेक्शन करूंगा, और ये देख सकते हैं कि झालर इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये एलईडी का कनेक्शन को करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो बल्ब देख रहे हैं इन सभी मैं एक एक गांठ लगा लूँगा, ताकि ये जो वायर जो है यहाँ से ब्रेक ना हो। तो इस तरह से गांठ लगा लें। गांठ लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर वायर का भी कनेक्शन करूँगा जो डायरेक्ट इसे लॉन्ग में कर देगा, और ये झालर जो है वो करीब 6 मीटर का बन जाएगा, जिसमें मैं यहाँ पर रिवन वायर का यूज करने वाला हूँ। इसमें से एक एक वायर को मैं लॉन्ग में कनेक्शन करते चला जाऊंगा इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, और ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखें कि इस साइड से 2 वायर आ चुका है, ब्लू वायर जो है वो नेगेटिव है, रेड वायर इसका पॉजिटिव है। तो इन दोनों का कनेक्शन कर लेना है एलईडी बल्ब के नेगेटिव और पॉजिटिव से। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। कनेक्शन करने से पहले इन दोनों वायर का डिसोल्डर कर देना है, और इसे मैं डिसोल्डर करके दिखाऊंगा, और इसे मैं सोल्डर भी कर लूँगा अच्छे से। तो यहाँ से डिसोल्डर कर दें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर, ये दोनों एमसीपीसी में यूज किया गया है, और ये एमसीपीसी बिल्कुल ही ब्रेक हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं है, बट इसका ड्राइवर जो है वो बिल्कुल ही सही है। आप चाहें तो ये ड्राइवर को इस बल्ब से बाहर निकाल के अलग किसी छोटे से डिब्बे में सेट भी कर सकते हैं। मैं इसी में ही सेट रखूंगा, सिर्फ एक होल्डर का यूज करके मैं इसे ग्लो करूंगा। तो इस तरह से देखें कि अब ये नेगेटिव का कनेक्शन कर लें, और सोल्डर काफ़ी अच्छे से करें। अगर ये लूज रहेगा तो यहाँ स्पार्क होने के कारण एलईडी जो है वो ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए सोल्डर जो है वो काफ़ी अच्छे से करें। मैं यहाँ पर सोल्डर काफ़ी अच्छे से कर दूंगा। तो इस तरह से ये सोल्डर हो चुका है जो नेगेटिव का कनेक्शन है। अब मैं पॉजिटिव का कनेक्शन में भी अच्छे से सोल्डर कर लूँगा। तो ध्यान से सोल्डर करें जो काफ़ी अच्छा से सेट रहेगा। फिर मैं यहाँ पर स्लिप का भी यूज कर दिया हूँ। मैं यहाँ पर स्लिप का यूज इसलिए किया हूँ ताकि दोनों वायर आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए स्लिप का यूज किया हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका डिफ्यूजर भी लगाऊंगा। डिफ्यूजर लगाने से पहले इन दोनों वायर को आउट कर लेना है। वहाँ पर जरा सा शोल्डर का यूज करें और इस तरह से कटिंग बना लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कटिंग बना लिया हूँ, और इस तरह से कटिंग बनाने के बाद इस तरह से वायर को बाहर कर दें। डिफ्यूजर में भी थोड़ा सा कटिंग बना लें, जहाँ से वायर बाहर होगा वहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद ये डिफ्यूजर को सेट कर लूँगा, और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब देखें ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर लेता हूँ। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा, और ये देखें बल्ब जो है वो बिल्कुल ही ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप झालर बना सकते हैं, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं डायग्राम में कनेक्शन किया हूँ उसी तरह से आप भी कनेक्शन कर लें।
तो ये देखें डायग्राम में मैं बना देता हूँ कि ये जो है एलईडी बल्ब का झालर, जहाँ पर एक यहाँ पर एलईडी को इस तरह से कनेक्शन करना है, तो इसी तरह से कनेक्शन करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए